सर आपको ये कॉल आपके क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किया गया है। सर आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म कि आपकी क्रिप्टो वाली इन्वेस्टमेंट डबल हो गई है। सर आपके पास एक प्राइवेट की का नंबर आया होगा, जरा वो कंफर्म करवा दीजिएगा। बिटकॉइन का क्रेज जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके नाम पर ठगी भी बढ़ती जा रही है। क्रिप्टो स्कैम्स आर ऑल्सो बिकमिंग मेन स्ट्रीम। In fact, cryptocurrency crime had a record-breaking year in 2021. Scammers stole a whopping $14 billion last year. Bitcoin ki trading aur mining karne walon ko 12% return ka lalach diya. Indians are falling prey too. Recently, 900 people lost 1200 crore rupees or more than $160 million to fraud. Aarop hai ki Ruja Ignatova duniya bhar ke niveshakon ke $4 billion यानी भारतीय रुपयों में करीब 30,000 करोड़ लेकर फरार है। And that fusion has created the perfect storm for scammers. Several state agencies say scammers gain the trust of an unsuspecting victim and get them to invest in the cutting-edge currency. आज ना एक स्कीम है मेरे पास आप लोगों के लिए, जल्दी से ज्यादा पैसे कमाने को, एंड वो भी बिना कुछ किए। तो सुनोगे? कौन कौन तैयार है? एंड जो लोग तैयार नहीं है, गुड जॉब। ऐसा क्यों? वीडियो देखोगे तो समझ आएगा। एंड वो लोग जो एक्साइटेड हो गए थे ना, ये वीडियो ना स्पेशली आपके लिए। सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम सन क्रिप्टो टीम। आज का हमारा वीडियो का पर्पस है आपको इन्फॉर्म करना इतने सारे स्कैम्स का जो क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में हो रहे हैं, जैसे कि पोंजी स्कीम, MLM, पिरामिड स्कीम्स। ये सब स्कैम्स काफी टाइम से चल रहे हैं, बट स्पेशली क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को लेके इन स्कैम का नंबर भी इस फील्ड में बढ़ता जा रहा है। आज का जो हमारा वीडियो है इसके बारे में है, जहां पे हम आपको बताएंगे कि ये स्कैम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लेते हैं, ये सब स्कीम्स होती क्या है। पोंजी स्कीम, पोंजी नाम ही एक धोखाधड़ी करने वाले इंसान से लिया गया है। 1920 में काफी फेमस हुआ था पैसे लूटने के चक्कर में। ऐसा बोला जाता है कि पोंजी स्कीम इससे पहले भी यूज की जाती थी लाइक 1800s, बट नेम चार्ल पोंजी से आया था 1920 में। इसमें एक पर्सन कनेक्ट होता है इन्वेस्टमेंट के लालच में, वो एक पर्सन दो लोगों को ऐड करेगा, वो दो नेक्स्ट चार को करेंगे, वो चार नेक्स्ट आठ को करेंगे, एड नंबर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। जो भी पर्सन ऐड होगा उससे एक फीस चार्ज की जाएगी, जॉइनिंग फीस, या उससे इन्वेस्टमेंट ली जाएगी, एंड वो फीस प्रॉफिट के नाम पे पहले वाले यूजर्स को दी जाएगी। तो नए लोग जुड़ते जाएंगे एंड पुराने लोगों को वो न्यू जॉइनिंग से लिया हुआ पैसा दिया जाएगा। एंड लोगों को लगता रहता है कि उनके पास जो पैसा आ रहा है वो सही जगह से या अच्छे इन्वेस्टमेंट से आ रहा है। दूसरा है पिरामिड स्कीम्स। इस स्कीम में क्या होगा कि आपको कोई स्कैम कंपनी अप्रोच करेगी एंड बोलेगी कि अगर आप हमारे कंपनी में 100 क्रोन की इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट करते हो तो आपको रिफंड में 2 times डिपॉजिट देगी, यानी कि 200 क्रोन्स। ऑब्वियसली सुनने में लगता है कि अच्छी स्कीम है। फिर वही कंपनी बोलेगी अगर आप अपने किसी फ्रेंड को भी इन्वेस्टमेंट कराएंगे तो आपको उसका भी 20% या कुछ प्रॉफिट आपको भी मिलेगा। ऐसे करके आप और लोगों को ऐड करते जाओगे और प्रॉफिट के लालच में एक पिरामिड बनता जाएगा, जहां पे एक पर्सन और लोगों को ऐड करेगा एंड आगे वाले पर्संस और लोगों को ऐड करेंगे, एंड द साइकिल गोज ऑन। तीसरा जो है MLM स्कीम्स। मल्टी लेवल मार्केटिंग भी सिमिलर है पिरामिड स्कीम से। सेम तरीके से लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं क्रिप्टो प्रॉफिट कमाने के लालच से। लोगों को बोला जाता है जितने लोग इन्वॉल्व होंगे उतनी ज्यादा इनकम, तो लोग सबको इन्वॉल्व करने लग जाते हैं एंड लास्ट में बिना प्रॉफिट एंड उसकी खुद की इन्वेस्टमेंट जो उसने की थी वो भी खो बैठते हैं। ये केस क्रिप्टो में काफी ज्यादा बढ़ रहा है एंड एक पर्सन इसका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज है तो वो ट्रांजेक्शन को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। एक और टर्म सुनने में आता है, वो है हाई रिटर्न पॉलिसी स्कीम, जहां पे आपको बोला जाता है कि आपका आप इन्वेस्ट करो एंड आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, जैसे कि
एक इथेरियम जमा कराओगे तो एक साल बाद आपको दो इथेरियम मिलेंगे। तो लोगों को लगता है यहाँ श्योरिटी मिल रही है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट का भरोसा नहीं है तो यहीं इन्वेस्ट कर लेते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, आपको सोचना है कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है बिना कुछ किए इतना हाई प्रॉफिट। यूजुअली इन सब स्कीम में न्यू क्रिप्टो इन्वेस्टर ज्यादा फंसते हैं क्योंकि उनको इस इंडस्ट्री के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू देखा होता है कि कैसे लोग मिलियनर बन रहे हैं सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से, तो उनको लगता है यही सही तरीका है। नॉट ओनली द क्रिप्टो, जो अदर फील्ड्स हैं जैसे कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, जो काफी टाइम से यूज में आ रहे हैं, उसमें भी ये स्कैम्स देखने को मिलते हैं जहां आपको बोला जाता है एक रात में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो सिर्फ क्रिप्टो फील्ड में नहीं, हर फील्ड में आपको सावधानी बरतनी है एंड ऐसी स्कीम से बचे रहना है। तो चलो अब बात करते हैं इन सब से कैसे बचोगे। ऐसे में कोई स्ट्रिक्ट प्लान नहीं है कि आपको इसको फॉलो करोगे तो आप बच जाओगे, तो जस्ट सिंपली कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको, सोचना समझना है कि कहीं ये स्कैम तो नहीं। अगर आपको कोई बोले कि हाई रिटर्न्स हैं एंड कोई रिस्क नहीं है तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ऐसा कोई स्कीम नहीं होती जिसमें कोई रिस्क नहीं होता, तो इस गलत फहमी में ना फंसे। जब कोई बोले कि आपकी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाएगी बिना किसी मेहनत के, तो वो भी इग्नोर करने की बात है क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। या जब कोई बोले कि ज्वाइनिंग फीस दो या इन्वेस्टमेंट दो हमारे प्रोग्राम में इन्वॉल्व होने के लिए, आपको कभी भी ऐसी फीस क्रिप्टो नहीं देनी है किसी को भी। जब कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन या सेलर आपको कॉन्टेक्ट करे, ऑलवेज आस्क फॉर नेसेसरी डिटेल्स। मार्केट में हर दिन 100 से भी ज्यादा न्यू टोकन्स आ रहे हैं। कोई कंपनी आपको सस्ते प्राइस में आपको न्यू टोकन्स का ऑफर दे, ऐसे न्यू कॉइन्स एंड इन टोकन्स में इन्वेस्ट करने से बचें। हमेशा कॉइन मार्केट कैप साइट जो है वो विजिट करें और टॉप के ब्लू चिप कॉइन्स में ही इन्वेस्टमेंट करें। न्यू कॉइन्स जितने भी आते हैं उसमें से 90% से ज्यादा फेल हो जाते हैं। अपना इन्वेस्टमेंट किसी हाई रिटर्न या किसी स्कीम्स में ना करके आपको खुद पहले क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज लेनी चाहिए। देन आपको जो क्रिप्टो में बेस्ट प्रोजेक्ट लगते हैं लाइक BTC, इथेरियम, BNB, ADA, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो भी किसी ट्रस्टेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का कोई रजिस्टर प्रूफ ना हो तो हमेशा ध्यान रखें कि आप कुछ ना कुछ रिटर्न इंफॉर्मेशन या रिसिप्ट वगैरह जरूर लें जो प्रूफ कर सके कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट दिया था। एंड अगर आपके ऊपर टाइम का प्रेशर दिया जाता हो, जैसे कि अभी ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने का वरना नहीं है, तो समझ जाओ वो एक स्कैम है। एंड लास्ट की किसी ट्रस्टेड एक्सचेंज को चूज करो, ना कि ऐसी कोई स्कीम्स को। जब आपके पास करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है तो आपको किसी ऐसी टेम्परेरी एंड स्कैम चीजों में क्यों फंसना है। फॉर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग एंड लीगलाइज्ड एक्सचेंज इज द बेस्ट ऑप्शन, जहां पे आप प्रॉफिट के लिए ब्लू चिप कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड उसको होल्ड करके रख सकते हो 3-5 सालों तक प्रॉफिट बनाने का। वैसे SIP का भी ऑप्शन अवेलेबल है जिससे कि आप अपना प्रॉफिट अच्छे से ग्रो कर सकते हो। SIP के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है तो आप यहां से उसको देख सकते हैं। तो आई एम श्योर आपको बात समझ आ गई होगी कि इन सब टेम्परेरी स्कीम से आपको दूर रहना है। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अच्छे से इन्वेस्ट करें, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आपको जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। दिस इज हर्ष धीमान साइनिंग ऑफ। थैंक यू।